जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया के सभी लोग यूनिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाकी सभी लोगों से कुछ ज़्यादा ही अलग हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही अलग लोग लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, ट्री मैन। दोस्तों, हम अक्सर पेड़ पौधों को जंगल या फिर बगीचे में उगते हुए देखते हैं, लेकिन हम अगर आपको ये कहें कि इंसानों के शरीर पर भी पेड़ उगता है, तो क्या आप हमारी इस बात पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं, तो मिलिए बांग्लादेश में रहने वाले अब्दुल बजेंद्र से। 29 वर्षीय अब्दुल बजेंद्र का ये नज़ारा देख शायद आप मुंह फेर लेंगे। बांग्लादेश में ट्री मैन नाम से मशहूर यह आदमी अपने साथ 5 किलो से भी ज़्यादा वजन के साथ घूमता है। ना ही यह खुद से खाना खा सकता है और ना ही कपड़े पहन सकता है, और इतना ही नहीं, यह अपनी बेटी को भी अपने हाथों से नहीं पकड़ सकता। इन सब का कारण है एपिडर्मो डिस्पेसिया वर्सिफॉर्मस नाम की भयंकर बीमारी। इस बीमारी के पूरी दुनिया में सिर्फ 6 मरीज हैं, और इससे पीड़ित अधिकतर मरीजों के शरीर में पेड़ जैसी संरचना उग जाती है। नंबर दो, सोहेब अहमद और अब्दुल रशीद। दोस्तों, हम सब ने सोलर एनर्जी और सोलर गैजेट के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपको सोलर किट्स के बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, सोलर किट्स के नाम से मशहूर ये बच्चे सोहेब अहमद और उसका भाई अब्दुल रशीद क्वेटा के पास मियाकुटी गांव के निवासी हैं। ये दोनों भाई दिखने में बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही हैं, आदत भी बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह ही है, लेकिन रात होती ही ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दरअसल ये बच्चे सूरज ढलने के साथ ही खाना पीना छोड़ देते हैं, बल्कि हिलना भी बंद कर देते हैं, मानो ये कोई गंभीर बीमारी के शिकार हों। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण घर पर आती है, तो ये दोनों वापस खेलने कूदने और बोलने लगते हैं। इन्हें दुनिया में सोलर किड्स के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का तो यह मानना है कि इन्हें सूरज की किरणों से शक्ति मिलती है। जब डॉक्टरों द्वारा इनका चेकअप किया गया, तो यह पता चला कि इन बातों से सूरज की किरण का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को जब सुबह के समय एक बंद अंधेरे कमरे में रखा गया, तो यह पाया गया कि सोहेब व अब्दुल बिल्कुल सामान्य थे। बहुत ही प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि सोहेब और अब्दुल मिस्थेंटिक सिंड्रोम से पीड़ित थे। ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसके सिर्फ 600 केस सामने आए हैं। नंबर तीन, वलेरिया लुकोनोवा। दोस्तों, मिलिए रियल लाइफ बार्बी डॉल से। यूक्रेन में रहने वाली वलेरिया हूबहू बार्बी की तरह दिखती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने कोई सर्जरी की है, तो ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने बार्बी की तरह दिखने के लिए कड़ी जिम ट्रेनिंग, स्टिक डाइट और बार्बी जैसा मेकअप करती हैं। साल 2007 में ये मिस डायमंड का खिताब भी जीत चुकी हैं, और आज ये एक सक्सेसफुल मॉडल हैं। 34 साल की इस महिला के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। नंबर पाँच, वेसर्विया बोरन गुच्चरोवा मिरेकल गर्ल। बेहद ही विचित्र नाम की यह लड़की आपको पहली नज़र में एक साधारण लड़की की तरह लग सकती है। हर छोटी बच्चियों की तरह इसे भी ड्राइंग, सिंगिंग व डांसिंग करना पसंद है, लेकिन एक चीज़ है जो इसे दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग बनाती है। वेसर्विया जब पैदा हुई, तो उसका दिल उसकी छाती से बाहर था। इतना ही नहीं, उसका इंटेस्टाइन भी उसका एब्डोमेन से बाहर की तरफ है। दरअसल ये एक विचित्र कंडीशन है जिसे पेंटोलॉजी ऑफ कैंडल कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल बस एक पतली सी लेयर से ढका होता है। ये बाकी बच्चों की तरह ही स्कूल जाती है और हर वो एक एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अपने यूनिफॉर्म के अंदर प्रोटेक्टिव सील पहनना पड़ता है, जिससे उसके हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर पाँच, लीजी वेलस्क्विज। दरअसल सभी लड़कियां अपने शरीर को फिट और खुद को पतला करने के लिए घंटों जिम में बिताती हैं और एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी बॉडी से खुश नहीं होते हैं। लेकिन इस महिला की स्टोरी सुनने के बाद आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करोगे। दरअसल लीजी नाम की यह महिला एक दुर्लभ बीमारी
जिसका नाम है मैरिफेनॉइड प्रोजेरॉइड लिपोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम की शिकार है। इस बीमारी का नाम लेना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल इस बीमारी का परिणाम भी है। इस बीमारी से पीड़ित होने का मतलब है आप अपना वजन कभी नहीं बढ़ा पाओगे। सुनने में ये तो आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन लीजी को देखने और सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। दरअसल इस बीमारी में फैट नहीं बनता, जिस कारण से रोज 5000 से 8000 कैलोरी खाने के बावजूद लीजी की बॉडी में 0% फैट है। यही नहीं, उनके इस रूप की वजह से लोग उन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत महिला बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन लीजी ने आज उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है। आज उनका एक अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां उन्होंने अपनी एक खुद की पहचान बनाई है और दुनिया के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। साल 2015 में इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसका नाम ब्रेव हार्ट था। लीजी की स्टोरी सुनने के बाद हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें लोगों के तानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।